السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى محترم سامعين هم ابني سماج میں ہیں कि बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें अल्लाह आलमीन का खौफ है उन्हें अल्लाह का डर है लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो अल्लाह के डर के असरात उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं आते यानी वो फ़राइज़ को ज़ाय करने वाले हैं मुहर्रमात का इर्तिकाब करने वाले हैं इस्लाम की तालीमत को अपनी जिंदगी से दूर रखने वाले लेकिन फिर भी उनकी जबानों पर ये कलिमा आपको सुनने को मिलेगा कि हम अल्लाह से डरते हैं हमें अल्लाह का खौफ है वो बीड़ियाँ पियेंगे सिगरेट पियेंगे शराब नोशी करेंगे नमाजें जय करेंगे जुल्म करेंगे लेकिन उनकी जबान पर यह कलिमा मौजूद होता है कि हमें तो अल्लाह रब्लमी से बहुत डर लगता है अल्लाह के अजाब का बहुत खौफ है तो इसकी क्या हकीकत है इस तल्ल से सबसे पहली बात कि हर डरने वाला अल्लाह की जन्नत का हकदार नहीं हर डरने वाला अल्लाह आलमीन की नजर में महबूब नहीं है क्योंकि अल्लाह से तो शैतान भी डरता है कुरान करीम में अल्लाह आलमीन ने उसके कौल को नकल फरमाया इन्नी अखाफुल्ला एकाब इबलीस ने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है इसका मतलब यह है कि अल्लाह से डरने वालों के लिए जो बशारतें सुनाई हैं उसकी कुछ और हकीकत है वो यह है जिसे इमाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया अल खौफुल महमूद मा अन कि अल्लाह से डरने का अल्लाह आलमीन से खौफ खाने का जो वस्फ़ है वो उस वक्त काबिल तारीफ है काबिल इनाम है काबिल फजल है जब आपको खौफ इलाही हराम कामों से रोक दे मा हजजक अन महारिम अल्लाह काबिल तारीफ खौफ इलाही वो है जिसकी वजह से आप गुनाह कबीरा से मुहर्रमात से आप रुक जाएं आपका खौफ आपको फ़राइज़ की अदायगी पर मजबूर कर दे ऐसा इलाही अल्लाह की निगाह में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की वजाहत कुरान करीम की एक आयत में बयान फरमाया वह अम्मा ही वन और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरे जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से खौफ खाए, हवा और अपने नफ्स को गलत ख्वाहिशात से रोके यानी खौफ खाने के बाद उसके साथ जो उसका असर है वो ये हो कि वो अपने आप को हराम ख्वाहिशात से बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को रोके अपने नफ्स को मना करे तो ऐसे शख्स का इनाम अल्लाह रबमीन की जानब से जन्नत की शक्ल में जाहिर होता है फरमाया फन्नत ही ऐसे आदमी का मकाम ठिकाना अल्लाह रब्लम की जन्नत है मालूम यह हुआ कि जो खौफ आपको फराइज की अदायगी पर मजबूर ना करे जो खौफ आपको हराम कामों से रोक ना दे ऐसा खौफ अल्लाह रबालमीन के यहां कोई एतबार नहीं रखता बल्कि काबिल तारीफ जन्नत दिलाने वाला आखिरत में कामयाबी दिलाने वाला जो खौफ इलाही है दरअसल उसकी खसूसियत यह है कि वो आपको फराइज की अदायगी पर मजबूर कर दे और हराम काम से रोक दे आज ही अपने दिल का अपनी जिंदगी का अपनी तनहाई का जायजा लीजिए क्या आपके दिल में खौफ इलाही इतना है कि आपको फराइज पर मजबूर कर दे और आपको हराम कामों से रोक दे अगर है तो इस अजीम नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए और अगर आप धोखे में थे आपको लग रहा था कि आपके दिल में अल्लाह का डर है लेकिन आप फराइज को जय करते थे आप हराम कामों का इर्तिकाब करते थे तो आपको आज ही अल्लाह से सच्ची तौबा करना है और अपने दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ पैदा करना है और उसकी अलामत यह है कि आपका खौफ आपको फराइज पर मजबूर करे और मुहर्रमात से रुकने पर आपको मदद दे, अल्लाह रब्लम हम सबको इस बात की तौफीकता फरमाए कि हमारे दिलों में अल्लाह का सच्चा खौफ हो और धोखे और फ्रेम में ना रह करके हम सच्चे खौफ की तलाश करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अल्लाह से डरने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़राइज़ की अदायगी करने की तोफ़ीतः फरमाए और तमाम मुहर्रमात से हमें रुकने की तोफ़ीदा फरमाए आमीन व आलकम व बरकातहू